जी अस्सलाम वालेकुम। क्रिक टाइम के एक और एपिसोड में हाजिर हैं। ऐसे एपिसोड करने का क्या फायदा है यार, हम क्यों आते हैं इधर, ये किस लिए हमने ये चैनल बनाया हुआ है, किस टीम को सपोर्ट करते हैं भाई? हमारी टीम तो जीत गई है, हमें टेंशन है। कौन सी टीम? अमेरिका? हमारी? वो हम लोग डॉलर में काम करते हैं, बाकी दुनिया से पूछो ना। लेकिन यार ट्रेडिंग पाकिस्तान के रुपये में शुरू करनी पड़ेगी, फिर हम फिर जीतने लगेंगे। लेकिन यार हकीकत ये है कि इससे गंदी टीम, इससे गंदी मैनेजमेंट, इससे गंदे सिलेक्टर, इससे गंदे पीसीबी के चेयरमैन और इससे गंदी काकूल की ट्रेनिंग, मैं कहता हूँ इन सबको कूड़े में डाल देना चाहिए। हकीकत ये है क्योंकि ये टीम ऑन रियलिटी बेसिस, ये टीम जो है ना, ये वर्ल्ड कप से पहले भी हमें पता था कि इन्होंने जाके ऐसा गंद करना है ना। वो आइलैंड से आ रहे थे ना, तो हमारे मन में यही था कि इससे बुरा क्या हो सकता है, इससे बुरा ये आज किया है ना। अब इससे बुरा नहीं, देखो इससे बुरा तो कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि ये वो नेल इन द कॉफिन था कि जो इन्होंने लगा दिया, क्योंकि वर्ल्ड कप इज ओवर फॉर देम। अब तीन मैच इनके रह गए हैं जो खेल के वापस आने के, इंडिया यूएसए वगैरह से कंपीट कर रहे होंगे से फाइनल अगले स्टेज में जाने के लिए रन रेट पे। नहीं 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 सर, रन रेट वाला तो खाते ही गोल है ना, वहाँ फारिग हो चुके। देखें इंडिया ने इनको इतना गंदा हराना है ना, इस पाकिस्तान टीम को, यू वुड सी पाकिस्तान टीम गेटिंग आउट ऑन 100 एंड दे विल बीट देम लाइक चैंपियंस। 10-12 ओवर में चेज करके वो पे जा रहे हैं, आइलैंड की टिप्स आज हो रही है। हाँ, और जो आज पाकिस्तान क्रिकेट खेला है ना, इससे ज्यादा पैनिक्ड टीम मैंने कभी नहीं देखी। ये कहीं से नहीं लगा, ये वाली टीम टॉप 10 की टीम है या टॉप 5 की टीम है, ये ऐसा लग रहा था, ये ऑपोजिट था, मतलब ये इतनी सरप्राइजिंग लग रहा था कि जैसे कोई आगे इनके ऑस्ट्रेलिया खेल रहा हो, ग्लेन मैकग्रा बॉलिंग करा रहा है, शेन वॉन उधर से बॉलिंग करा रहा है, इधर से कर्टली वाश बॉलिंग करा रहा है, उधर से जेम्स एंडरसन बॉलिंग करा रहा है, और मतलब एक तरफ से मुरलीधरन लगा हुआ है, मतलब क्या यार इतनी गंदी बैटिंग, मतलब कि अब ये लेवल आ गया कि हम कनाडा से भी बुरे हो गए बैटिंग में, पहली बैटिंग में। ऐसे ही है, कनाडा ने तो फिर एक अच्छा टारगेट दे दिया था ना सर जी। हमारे 6 ओवर में 25-30 रन थे, बाबर आजम ने जो गंदी बैटिंग की है, उफ माय गॉड, इतना पैनिक प्लेयर, इतना ज्यादा पैनिक, टॉस के बाद ही पैनिक शायद फील हो गया था। मतलब मैं तो पैनिक वाले उस सिचुएशन देख के हैरान समझ के आए थे कि हम टॉस जीतेंगे ही जीतेंगे, हमारी मर्जी चलेगी, ऐसा नहीं होता। एक और भी चीज है यार, 3 ओवरों में बाबर आजम के 5 रन थे, बाबर आजम ने 18 वाले खेली और 5 स्कोर था बाबर आजम। असल में बाबर ने मुल्क को बचाना था, इकॉनमी को बचा सकता था या ट्रॉफी को बचा सकता था, ऐसे ही है। मुझे लगता है बाबर आजम को कुछ साइफर आया था बाहर से, खत आया जिसमें बाबर आजम को बोला गया था बेटा जीतना नहीं है, तो हो सकता है ऐसे ही हुआ, ऐसे ही लगता है अगला इसी पे ही चलेगा, बेट खुल जाएगी। ये है कि क्या पता IMF कर्जा दे दे, अब कोई पता नहीं है, ये मैच जीतने की खुशी में वो बोलेंगे आप चलो यार यशी है जीतो खेलो अब। लेकिन जोक्स अपार्ट, जो क्रिकेट आज पाकिस्तान ने खेल दी है ना, दे नेवर डिजर्व टू बी इन द वर्ल्ड कप। सच्ची बात यह है कि इनको एसोसिएट नेशंस के साथ पहले खेलना चाहिए, एसोसिएट नेशन से अगर ये क्वालिफाई करें तो फिर इनको इस सर्किट में आना चाहिए, बिकॉज जो क्रिकेट इन्होंने आज खेली है ना, जितना पैनिक्ड ये सुपर ओवर में थे ना, मतलब ऐसे लगे यार पता नहीं इनके हाथ पांव कांप रहे थे, हाथ पांव ऐसे, दे नेवर लुक लाइक अ टीम के जो टॉप की टीम हो बिल्कुल कहीं से। फिर यार मुझे एक बात समझ नहीं आई, सुपर ओवर में भाई फखर जमान ने एक बॉल भी नहीं खेली, क्या जाहिल तरीन मैनेजमेंट है, क्या अकल से पैदल मैनेजमेंट है, आपने मुझे समझ नहीं आती उस मोटे को किस काम के लिए रखा हुआ है। नहीं, अगर सुपर ओवर में आपको समझ आ गया कि एक लेफ्टी बॉलिंग करा रहा है, तो उसके ऊपर आपको राइट हैंडर भेजने की जरूरत क्या है, आप उसको बना के दे रहे हैं कि भाई तो निकालो स्टंप से बाहर, मैं तुझे हिट नहीं कर सकूंगा, उसको बता रहे हैं भाई आपकी आपको, वो उल्टा बैट्समैन उसको प्लान दे रहा है, मतलब राइट हैंडर खड़ा हो गया तो उसमें प्लान दे रहे भाई ऑफ स्टंप से बाहर नहीं, मैं नहीं मार सकता तुझे, वो मजे करवा रहे बिल्कुल कोई ना। असल में पता है क्या, जितनी पैनिक्ड इन्होंने सुपर ओवर में बॉलिंग कराई ना, उतनी ही पैनिक्ड इनका डिसीजन था बैट्समैनों को भेजने का। भाई मोटे को किस काम के लिए रखा हुआ है, कीपिंग उससे नहीं होती, कैच उससे नहीं पकड़े जाते, बैटिंग उससे नहीं होती, मुइन खान का बेटा है बस उसने टीम में खेलना है, उसको भेज देते भाई आज, क्या पता कोई उसका तुक्का ही लग जाता, एक ओवर खेलना तो लग ही जाता, लग जाता, क्या पता तुक्का लग जाता, उसको भेज देते, उसको क्यों नहीं भेजा, उसको रखा हुआ किस मकसद के लिए। खान को लेके गए पावर हिटर के तौर पे, ठीक है आपका आजम खान है वो भी पावर हिटर है, तो ये दोनों
इफ्तिखार का तो बनते ही नहीं था ना वहाँ पे। अच्छा, इफ्तिखार के बारे में अच्छा किया आपने बात। इफ्तिखार इतना ओवररेटेड प्लेयर है, इतना ओवररेटेड क्रिकेटर है कि जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है यार। फुल टॉस बॉल पे नहीं छक्का इससे लगता है, मतलब यार तू क्या क्या इफ्तिमेनिया, क्या तू प्लेयर है भाई। फुल टॉस बॉल आई है, फुल टॉस पे कैच दे, बहुत स्लॉट की बॉल थी वो, हां छक्का होता है वो यार, वो शाहीन के पास होती है उसने छक्का मारा है उसे। मतलब मैं हैरान हूं कि भाई इतना ओवररेटेड प्लेयर क्यों है इफ्ती। इनके पास ना रियलिटी बेस में जो सिलेक्शन, जिस पांच बंदों ने जो सिलेक्शन किया ना, इससे गंदी और घटिया और थर्ड क्लास सिलेक्शन भी नहीं हो सकती है। और मैं तो बेचारे वो कोच को देख के रोता हूँ, जो इन्होंने कोच नया रख लिया है, वो कहता हूँ भैंस की तुम, मैं किस गंदी और थकी हुई टीम में आ गया हूँ यार, ये तो किसी नाकाम की टीम है। मतलब इस टीम के पास मैं कोचिंग कैसे, वो मुझे तो लगता है इस वर्ल्ड कप के बाद वो हाथ जोड़ के बोलेगा भाई खुदा का वास्ता जे औकात ही नहीं है कि आपको अच्छा कोच कोई हो। मुझे तो लग रहा है जो हमारा रेड बॉल का जो हमने कोच रखा है, वो भी इनकार कर देना चाहिए भाई इस ऐसी टीम का कोच। और मैं सच्ची बात बताऊ ना, ये कर्मा है बाबर आजम के लिए। बाबर आजम को जलालत हुई जब 2023 का वर्ल्ड कप हारे, ठीक है, 2023 का वर्ल्ड कप हारने के बाद उसको सैक किया गया क्योंकि इन्होंने परफॉर्मेंस थर्ड क्लास दी उस वर्ल्ड कप में। उसके बाद बाबर आजम से इन्होंने कैप्टेंसी जब ली तो शाहीन अफरीदी कैप्टन बना। शाहीन अफरीदी की एक सीरीज में कैप्टेंसी, मतलब इन्होंने देखी, चार मैच देखे जिसमें परफॉर्मेंस नहीं वो दे पाया, इन्होंने उसको खुडे लाइन कर दिया। खुडे लाइन किया, ऑफर की रिजवान को, रिजवान ने कहा कि भाई मेरे हाथ है इस टीम से, भाई इस टीम की जो कैप्टेंसी है ना मेरे से ऊपर है, मेरे से ऊपर है। बाबर आजम ने कहा भाई मैं हूं ना, क्या हो गया भाई मैं हूं ना। दिस वॉज बाउंड टू हैपन टू हिम, क्योंकि वो मैं बाबर आजम को एज अ प्लेयर नहीं बुरा कहूंगा, बाबर आजम एज अ बैट्समैन, एज अ प्लेयर शायद वो अच्छे प्लेयर्स में कंसिडर होता है, बट बाबर आजम एज अ कैप्टन, कुछ लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं कि यार इस टीम का कप्तान वो है, वो करे तो करेगा, उसके पास प्लेयर ऑफ पूल ऑफ प्लेयर भी बहुत थकिया घटिया है। लेकिन भाई कुछ पूल ऑफ प्लेयर गंदे भी होते हैं ना। अमेरिका के पास कौन से कोई बड़े, उन्होंने टॉप के सारे प्लेयर हैं उनके पास, पहली दफा वो क्रिकेट खेल रहे हैं और उन्होंने आपको ऐसे हराया जैसे बच्चों को हराया जाता है, ऐसे मतलब पाकिस्तान ऐसा खेला है जैसे थकी हुई टीम खेलती है। सुबह से एग्जांपल ले लें किसका, युगांडा का मैच ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने पहले ओमान का उन्होंने किस तरह ऑस्ट्रेलिया को आगे लगा के रखा 15 ओवर तक, ऐसे ही है। उसके बाद जो कैचेस ड्रॉप हुए या एजेस मिस हुए तो जाके ऑस्ट्रेलिया थोड़ा गेम में आया, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया तो एक तरफ से 60-70% गेम हार गया था। लेकिन देखे ना जो बड़ी टीमें होती हैं, जब एक बार वो वापस आ जाती है ना, मोमेंटम खुद से अपने पास रख लेती है, फिर वो जाने नहीं देती। पाकिस्तान वाज नेवर इन द गेम अनटिल द 18th ओवर। 17 ओवर तक वो मैच आराम से जीत रहे थे, 3 ओवरों में 4 ओवरों में 30 रन कौन से रन होते हैं, वो तो क्रेडिट टू आमिर के जिसने वो आपको मैच में वापस लेके आया। पाकिस्तान वाज नेवर इन द मैच, मतलब वो उन्होंने जब पहली इनिंग्स आपको कर दी थी ना, उसके बाद वो मैच आप हार चुके थे, बैटिंग ने आपको वहीं पे ही मतलब मैच हरवा दिया था। बैटिंग से स्टार्ट लें, सिर्फ एक रिजवान का डिसमिसल था जो एक थ्रू आउट इनिंग में अच्छी बॉल थी या अच्छी फील्डिंग थी, ऐसा ही है। उसके अलावा उस्मान खान का बाहर निकल के मारना समझ नहीं आया, नहीं और बाहर निकल के सेंस देखे ना, बाहर निकल रहा है और पता है सिर्फ एक फील्डर है, मिड ऑफ का खाली है, लेग खाली है, ओ भाई जाहिल है तू, को बड़ा तू मिड ऑन पे मार, अगर तुझे बहुत ही चुल आई है बाहर निकल के मारने की तो मिड ऑन पे मार ले या उधर एक्स्ट्रा कवर पे मार सीधी मिड ऑन, और फील्डर हिला भी नहीं है वहां से सीधी उसके। उसके बाद फखर जमान ठीक है, वो उसकी एक गो थ्रू शॉट होती है शुरू में प्रेशर तोड़ने के लिए, लेकिन उससे जरूरत नहीं थी, उससे सिर्फ पार्टनरशिप की जरूरत थी सिंपल। शादाब आज बैटिंग अच्छी कर गया, लेकिन चाचू देखो ना, मतलब इतना ओवररेटेड। आजम खान गुड प्लेयर है, अच्छा ठीक है, मतलब नहीं वो तो मैं उसको प्लेयर नहीं मानता, उसको छोड़ दे, वो इज डन, मतलब वो उसने अपना कैरियर जो बेसिकली वो कैरियर के लिए आया भी नहीं था, आपको ये बता दूं, वो क्रिकेट के लिए नहीं आया था,
वो घूमने फिरने के लिए आया था, टिकटॉक से लिया था। हाँ, टिकटॉक के लिए आया था, और तो उसका मकसद ही कोई नहीं था। इंग्लैंड घूम लिया, आयरलैंड घूम लिया, अमेरिका घूम लिया, साथ ही जाके ट्वीट लगाया, एक दुखी सी गजल का एक शेर लगाया। हाँ, अमेरिका घूम लिया, विंडीज घूम लिया, बस ये घूमने फिरने वाला काम है। अभी देखे ना, ये इन्होंने मैच खेलना था टेक्सास में, टेक्सास में इन्होंने काउबॉय हैट डाल के फोटो शूट करा के टिकटॉक बना ली है। वो बुल वाली पत्नी ऊपर फाइटिंग, बुल फाइटिंग वो देखने के लिए भाई आप लोगों के पास टाइम था, क्रिकेट की तैयारी क्यों करनी थी? क्रिकेट खेलने थोड़ी आप गए हैं। मुझे अभी ना एक मेरे अच्छे एक दोस्त है, उन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज किया, कहते हैं कि दिस टीम गिव्स अ डैम कि आप मैच हारने के बाद इनको मतलब फर्क ही नहीं पड़ता, इनका टेम्परामेंट, इनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है कि अभी मैच हारे हुए हैं ना, अभी आप कुछ दिन बाद देखेंगे इनकी स्टोरीज लगी हुई होंगी, कभी उस होटल में जाके कोई डिनर कर रहा होगा, कभी उस होटल में जाके कोई डिनर कर रहा होगा। भाई आप मतलब अच्छा एक और चीज़, 20 करोड़ बंदों में से आप आए हुए हो 15 बंदे, यार किस तरह के बेहिस और घटिया किस्म के प्लेयर्स हैं। इसी में एक और चीज़ की है कि पब्लिक की मीटर ग्रीट रखा करेंगे जी प्रैक्टिस सेशन के अलावा, $25 की एंट्री रख के उसमें आप खाना खाएंगे ऐसा कुछ, और मीट एंड ग्रीट करें उनसे गप्पे लगाएं बैठ के किसी जगह पे। पता है चक्कर क्या है, अब मीट एंड ग्रीट ही रह गया है, वो तो कुछ है नहीं, वर्ल्ड कप तो इनका खत्म हो गया, उसमें भी अगर कुछ कह देते हैं फिर हमें बुरा लगता है, लेकिन ठीक था वो, ठीक। अच्छा पिछले दिनों में बाबर आजम को बड़ा मैंने डिफेंड किया, मैंने बड़ा जी उसने शहजाद को भी हमने बड़ा डिफेंड किया, हमने कहा जी बाबर आजम के साथ बड़ा गलत हुआ था, जो हिस्ट्री का पाकिस्तान की देखें कि मैनेजमेंट कैप्टन ने डिसाइड करना था किसने बैटिंग पे जाना है, ऑर्डर कैसा सेलेक्ट किया कि आप फखर को स्ट्राइक पे नहीं लेके आ रहे हैं, अगर चलो फखर स्ट्राइक पे नहीं भी आ रहा तो चाचा जी की तो जगह ही नहीं बनती थी ना। मतलब चाचू इतना ओवररेटेड प्लेयर है ना यार, उसकी 15 रन से 20 रन की मैक्सिमम इनिंग्स होती है, वो 15 से 20 भी 18 बॉलों पे होते हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आप ये बोले 15-20 रन 8 बॉलों पे होते हैं, वो उसके वो 18 बॉलों पे होते हैं, मतलब 110-120 के स्ट्राइक रेट से वो खेले, उसके कैरियर का स्ट्राइक रेट डालते हैं 128-130 का स्ट्राइक रेट है, 130 के स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन को बाबर भी कर देता है। हाँ, वो बाबर देखो बाबर उससे हजार गुना इस लिहाज से बेहतर है, कम से कम कंसिस्टेंट तो है ना, रन तो करता है ना, चाचू ने तो हर मैच में को मैक्सिमम 18-20 रन करने हैं, वो भी इतनी बॉलों पे, तो उसमें कौन सा तुमने ऐसा कोई तीर मार दिया। वो मैं कहता हूँ कि वो ये आगा सलमान वगैरह होते हैं ना, सऊद शकील होता, सॉलिड बैट्समैन ये लेके जाते हैं ना, यकीन मानो इनसे बेहतर है, और टेंशन तो होती कि विकेट भी बचाने बचाएगा वो इनसे बेहतर होता है, उनका कम से कम 130 का स्ट्राइक रेट तो होता ना, एवरेज तो निकालते हैं ना, हाँ वो मतलब 130 के स्ट्राइक रेट से भी वो खेले ना, आपको ये टेंशन नहीं है कि विकेट निकल जाएगी। आप हारिस रौफ की क्यों नहीं बात कर रहे, जिसने आखिरी 3 बॉल में 12 चाहिए था, जो वो भी आए वो बनवा दिए, आ रहे हैं उसी तरह आ रहे हैं बैटिंग के साथ साथ, पहले बैटिंग का तो वो बात ये है, बैटिंग तो वाली कभी थी ही नहीं ना, देखिए पाकिस्तान हमेशा हम बॉलिंग की बात करते हैं जी, बॉलिंग पाकिस्तान की वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, वर्ल्ड क्लास, लेकिन हमसे ओपनिंग नहीं, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, और सर हमसे तो दूसरा प्लेयर आउट करना हो ना तो सोचने पड़ जाते हैं कि भाई पहला प्लेयर भी आउट हो रहा होता, चलो पहला ओखा सोखा कहीं तुक्के में आउट हो ही गया, दूसरा प्लेयर उनका आउट करना होता है, ऐसे सोचने में पड़ जाते हैं यार आउट कैसे होगा, रन आउट के रेट का जो होते हैं रन आउट हो जाएगा। फील्डिंग तो सर इनकी इतनी काकूल ने ट्रेनिंग की है ना, इनके काकूल से जब से ट्रेनिंग करके आया ना, फील्डिंग तो लेवल की, माय गॉड ऐसी को फील्डिंग करते हैं ना, आपने सुपर ओवर में फील्डिंग नहीं देखी रिजवान कैसी कीपिंग कर रहा है, स्टैंडिंग फील्डिंग करते हैं ना, कि इनको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए फील्डिंग पे, इनसे अच्छी फील्डिंग आज तक कभी पिछली, मैं तो कहता हूँ 90s के जो प्लेयर थे ना उनसे भी अच्छी फील्डिंग करते हैं ये, तो खैर बॉलिंग जो है ना सर इंतहाई ओवररेटेड बॉलिंग है, माजरत के साथ हमारी जो बॉलिंग लाइन है ना इंतहाई ओवररेटेड है। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया कि जब पाकिस्तान ने 160 कर लिया तो कहता जी पाकिस्तान रोल ओवर कर जाएगा इनको, 100 पे ऑल आउट कर देगा। मैंने कहा भाई गॉन आर द डेज कि जब हमारे पास शुएब अख्तर, वकार यूनस, वसीम अकरम हुआ करते थे कि जब वो आते थे तो वो टीमों को उड़ा के रख देते थे, अब यही है कि अब अगर इनको 200 का टारगेट दो इस बॉलिंग लाइनअप को तो वो फिर रोक लेते हैं, 200 से कम वाले ये बॉलिंग लाइनअप नहीं है, अगर आप इनको आज 170 भी देते ना इन्होंने कहा जाने थे, ये इन्होंने कहा जाने थे, मतलब ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने 170 पे डिफेंड कर लेना था, इनसे नहीं होता था डिफेंड, क्योंकि जिस तरह की फाइनल ओवर में हारिस रऊफ ने बॉलिंग कराई है, हारिस रऊफ की बॉलिंग के साथ साथ जो कैप्टन ने फील्ड सेट की हुई थी ना, इंतहाई इमेच्योर और लॉजिक सेंसलेस फील्डिंग थी। आपको जब पता है कि आप यॉर्कर लेंथ बॉल करा रहे हो तो मिड ऑफ मिड ऑन क्यों आता है,
जब आपको पता है कि एक बॉल पे पांच चाहिए तो जाहिल कप्तान ही होगा जो मिड ऑन मिड ऑफ आप रखेगा, तो आप पीछे रखो मिड ऑन, अगर वो मिड ऑफ पीछे होता तो सिंगल थी, सिंगल या डबल चलो मैक्सिमम हो गए, वो चौका नहीं लग सकता था। इवन उसकी शाहीन अफरीदी के पास जो कैच आया, अगर मिड ऑफ पीछे होता तो वो भी सिंगल थी। तो बात कहने का ये है कि बाबर आजम से घटिया कप्तान नहीं देखा, मतलब बाबर आजम की जो करियर में, हम हारिस को तो बोल रहे हैं लेकिन बात ये कि सिचुएशन यहाँ तक पहुंची क्योंकि हारिस पे गेम आई लास्ट ओवर में, ऐसे ही है टीम के खिलाफ मुझे एक बात की एक और समझ नहीं आती, इन्होंने बोला वर्ल्ड कप से पहले जी हम सरप्राइज फैक्टर लेके जा रहे हैं इब्रार अहमद, वो सरप्राइज ही रखेंगे वर्ल्ड कप के बाद ही, वो सरप्राइज खुलने वाला है वर्ल्ड कप के बाद ही, वो सरप्राइज निकलेगा, वो सरप्राइज ऐसे ही सरप्राइज है जो वर्ल्ड कप के बाद ही खुलेगा, क्योंकि खत्म हो गई ना इंडिया से, इन्होंने वैसे नहीं अभी कुदरत का निजाम बाकी सर जी, हर दफा नहीं होता, हर दफा नहीं, इस दफा आगे अमेरिका, इस दफा आगे अमेरिका है भाई, हर दफा नहीं होता, वो जमाने और थे, अमेरिका जब तक नहीं था ना इस क्रिकेट में तब तक नहीं होता, तब आगे अमेरिका है, वो नहीं कुदरत के निजाम चलने वाले। अब जे ये और सच्ची बात ये है, आई विश कि ये टीम पहले राउंड में बाहर हो जाए, नहीं अब तो जेशा चलेगा या फिर डॉलर चलेगा, नहीं आई विश कि ये टीम पहले राउंड, विश क्या हो ही गया क्योंकि रन रेट पे भी अगर आप आ जाते हैं ना खुदा खुदा करके आपके कोई ऐसा मोर्चा बन भी जाए, बट पाकिस्तान टीम के कैलेबर में ही ऐसा नहीं है कि रन रेट पे आके कभी, यूएसए का रन रेट एक अच्छा खासा चल रहा था ऑलरेडी, अमेरिका का और अमेरिका कह रहा हूं इंडिया का तो खैर बहुत ही आउट क्लास जा रहा है ऑलरेडी, ऐसे ही है क्या गया फिर तो खैर या तो एक आधी टीम क्वालीफाई करके ऑप्ट आउट कर लेंगे, हमें वापस जाने पे भी है पाकिस्तान आ सकते हैं, हां अब तो यही है, लेकिन यार वेल प्लेड यूएसए, यू गाइस डिजर्व टू विन दिस, आप लोगों ने थ्रू द मैच डोमिनेट किया, दिखाया है कि क्रिकेट इस तरह से खेलते हैं, और मुझे आई डाउट के यूएसए इन द रीसेंट टाइम्स वुड बी अ रियली रियली गुड टीम, क्योंकि देखिए बेशक अभी उनके पास सारे फॉरनर्स हैं, कोई वेस्ट इंडीज से आया हुआ है, कोई साउथ अफ्रीका से आया हुआ है, कोई इंडिया से आया हुआ है, कोई पाकिस्तान से आया हुआ है, बट मतलब उनके पास एक तो पैसा है, ठीक है, वो दुनिया के महंगे अच्छे से अच्छे प्लेयर को भी अपने पास ले सकते हैं, ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि वो जो है ना उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, और यानी वो अपनी टीम को बहुत जबरदस्त बना सकता है, अभी भी उन्होंने मैंने दो मैचों में दिखा दिया है कि भाई दे आर स्टिल वेरी गुड, सबसे अच्छी बात मेंटेलिटी क्लियर है, वो पैनिक नहीं किए पूरे, हां अच्छा उन्होंने पहले कोई नजर ही नहीं, पहली बॉल से आपको ऐसे वो जैसे दबाया हुआ नहीं होता, दबोचा होता, गर्दन से पकड़ा हुआ होता, बस प्लान था कौन सा बैट्समैन किधर फील्डिंग किया, बॉलिंग क्या, लेंथ क्या लाइन, ऐसे ही उन्होंने बिल्कुल गर्दन से इनको पकड़ा हुआ था कि भाई इनको हिलने नहीं देना, और ये ऐसे वो जिसे कहते हैं डिफेंसिव अप्रोच के टीम है कि इन्होंने भी कहा कि भाई सर गुलाम है हम 70-80 साल से खेल रहे हैं क्रिकेट, गुलामी ना मंजूर नहीं, इन्होंने कहा गुलामी मंजूर है, तो खैर वेल प्लेड यूएसए और वेल प्लेड पाकिस्तान, यू गाइस डिड वेल और अच्छा खेले आप, अच्छी फाइट की आपने, एक सुपर ओवर तक तो लेके गए ना, मतलब आपको भी क्रेडिट जाता है, और अब अच्छा है अब जाके कोई सेल्फिया शेल्फिया बनाए, अब आप लोग जाके थोड़ी सी नींद शीन पूरी करें, नींद शीन पूरी करके फिर जाके कहीं पे डिनर शिनर करें, अच्छे से डिनर करें और घूमने फिरने जाएं, कोई लेक्स वगैरह देखने जाएं, अमेरिका में जो अच्छी अच्छी जगह हैं वो देखे जाके, क्योंकि उसके बाद तो आपने घर ही वापस आना है, तो कम अज़ कम ये अमेरिका फिर लें, इसी बहाने वहाँ अमेरिका फिरने ही गए थे, अमेरिका फिर के आ जाएँ तो ऑल गुड है, मिलते हैं फिर जी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।